अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे पास पुराने मास्क हैं जिनको यूज़ करके आज मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। इसको मैं वॉश कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद ये मेरे पास फूल हैं जो मौसम सरमा के फूलों के बीज हैं, जिसमें ये पुटीनिया का बीज है, ये बहुत बारीक होता है। इसके साथ ही मेरे पास एंटीनियम फ्लावर है, उसके बीज हैं जो बिल्कुल कलौंजी की तरह नज़र आते हैं। ये मेरे पास है अफ्रीकन गेंदा, ये डेलिया के फ्लावर्स के सीड्स हैं, ये बहुत बारीक होते हैं, ये देखें बहुत पतला सा बीज होता है। ये मेरे पास है कैलेंडुला फ्लावर्स के सीड्स, और ये है गजानिया फ्लावर, ये भी एक गेंदे की तरह ही होता है। अच्छा, अब मेरे पास जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें स्टेपलर है, मास्क है, मार्कर है। अब मैं क्या करूँगी, एक मास्क लूँगी, इसको एक साइड से हम काट लेंगे, एक हैंडल इसका काट लेंगे यहाँ से, और दूसरी साइड हम इसको वैसे ही रहने देंगे, उसको हमने कुछ नहीं करना। अब आप इसको ओपन कीजिएगा, देखें इसमें कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं, दो या तीन लेयर्स इसमें होंगी। और मुझे इन्हीं लेयर्स को देखते हुए आइडिया जहन में आया कि हम क्यों ना इन्हीं पुराने मास्क को इस्तेमाल करके हम इनको सेव करें, जो हमारे पास सीड हैं, फूलों के बीज हैं। अब देखिए, मैंने इन सब के नाम लिख लिए, और अब मैं इनके अंदर इसको फिल करती जाऊंगी। जब हम इसके अंदर फिल कर लेंगे तो इसको नीचे से हम स्टेपलर पिंस की मदद से पैकेट को अच्छी तरह टाइट कर देंगे, इसको पिंस लगा देंगे ताकि वो इसके अंदर से निकले। इंडियन का है मेरे पास, देखें बीज, कैलेंडुला फ्लावर्स जिसके मैंने इसके अंदर डालने, ये भी गेंदे की तरह नज़र आता है। इसके साथ ही रख दिया है ताकि ये फूल इसके अंदर मिक्स ना हो। ये मेरे पास पुटीनिया फ्लावर का सीड जो हमने बहुत ज़्यादा बारीक था, हमने इसको भी इसके अंदर सेव कर लिया। और ये है मेरे पास डेलिया फ्लावर का पैकेट, इसको मैं इसके अंदर रख के सेव कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इन सब के सीड्स जो हैं वो इन पैकेट्स के अंदर रेडी कर लूँ, डाल के ना इसको बंद कर देंगे हम स्टेपलर पिंस। ये देखिए मैंने नीचे से लगा दिए, देखिए कितना प्यारा पैकेट रेडी हो गया। और अब आप इसको जहाँ मर्ज़ी और जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, रख लें, सेव कर लें। जब आप इसको निकालेंगे आपको फौरी आइडिया होगा कि इस बैग के अंदर कौन सा बीज है। ये देखिए, और ये हवादार भी रहेंगे, आपको बीज ख़राब भी नहीं होगा। ये सारे पैकेट्स बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।